हाय गाइज, वेलकम टू गैन मॉडिफिकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो एक्टिवा 4G के फीचर्स के बारे में है। तो दोस्तों, आपने काफ़ी टाइम मुझसे पूछा कि भाई हमेशा आप बाइक के ऊपर ही वीडियो बनाते हो, तो स्कूटी पर क्यों नहीं या स्कूटर पर क्यों नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवा 4G के जो फीचर्स हैं वो क्या है, और जो एक्टिवा 3G आई थी वो उसमें आपको एक्टिवा 4G में क्या अपग्रेड मिलता है। और बिल्कुल मैंने आपको ईजी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और आपको अच्छी तरह समझ भी आएगा, क्योंकि जो वहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने मुझे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे। और एक दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ईयरफोन का यूज़ कीजिए, बिकॉज जो होंडा शोरूम है वो नियर द रोड, बिल्कुल रोड के पास में है। इसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह या शोर वो रहता है थोड़ा सा। तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। होंडा की नई एक्टिवा तो 4G, अगर इसका एक्टिवा 3G से कंपैरिजन करें तो मेन तीन डिफरेंस आए एक्टिवा 3G और 4G के अंदर। सबसे पहला तो आया कि इसके अंदर ऑटोमेटिक हैंडलूम आ गया, इसके अंदर लाइट स्विच ऑन का बटन हटा दिया गया इसके अंदर, कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे गाड़ी जो हेडलाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये इसके सेफ्टी पर्पस इसलिए दिया गया कि जो दिन में अर्ली मॉर्निंग का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड 6 से 7 का या शाम को 6 से 8 बजे का पीरियड है, इसमें नॉर्मल कस्टमर हेडलाइट ऑन नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये BS4 मांग देगी, जैसे ही आप उन्हें स्टार्ट करोगे ऑलरेडी हेडलाइट ऑन हो जाएगी आपकी, ताकि आपको जो आगे विजिबिलिटी वो ज़्यादा दिखने लग जाएगा। ये स्पेशली सर्दी के मौसम में, विंटर मौसम में जब धुंध होती है तब ये काम करता है सबसे बढ़िया। सेकेंड चीज़ जो चेंज की इसके अंदर, एक चीज़ मोबाइल चार्जर अटैचमेंट दे दिया गया इसके अंदर, जैसे 4-व्हीलर में आता है ऑप्शनल दिया गया, आप अटैचमेंट अलग से लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट दे दिया गया इसके अंदर अलग से। और इसके अंदर जो 3G और 4G में कलर, जो एक कलर का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया इसके अंदर, दो मैट कलर आ रहे हैं, एक ग्रे कलर आ रहा है मैट के अंदर और एक आ रहा है सिल्वर कलर मैट के अंदर। दोनों कलर का डिफरेंस ये है कि उनका जो पुराने कलर आ रहे हैं ऑलरेडी शाइनिंग वाले व्हाइट कलर आता है दोनों में, उसके अंदर कलर के अंदर लेट दे दिया गया, मतलब कि कलर का डिफरेंस आपको लेमिनेशन की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसके अंदर। जैसा कलर ये आ गया वैसे साल बाद या 200 बाद कलर वैसे रहेगा, जबकि जो शाइनिंग वाले कलर होते हैं ये ऑलरेडी डल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी डल नहीं होंगे इसके अंदर। प्लस जो एक्टिव 4G है, जो ओनली पुराने फीचर्स जो आ रहे हैं सेफ्टी फीचर, वो सेम ही है इसके अंदर। जैसे ट्यूबलेस टायर दे देगा, पंचर होने के बाद भी गाड़ी आपकी 40 से 50 किलोमीटर ऑलरेडी चलती रहेगी। बेनिफिट इसका ये होता है, नॉर्मल टायर में टायर से हवा यहाँ निकलती है, रिम और यहाँ से, जबकि ट्यूबलेस टायर में ये रिम और टायर एयर टाइट होता है, तो यहाँ हवा निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पंचर हो रहा है, किलमत निकालिए आप, ना तो आप गिरोगे ना आपको धक्का लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। दूसरा सेफ्टी फीचर जो होंडा का पेंटर टेक्नोलॉजी, वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, मतलब कि अगर आप लेफ्ट ब्रेक लगा रहे हो तो फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों एक साथ रुकेंगे आपको। ये पेंटर टेक्नोलॉजी, इसमें इक्वलाइजर दिया गया यहाँ पे, जिसमें कि आपका जो वेट है ये इक्वलाइजर आपका वेट दोनों तरफ 50-50 ट्रांसफर कर देता है आगे और पीछे, जिससे गाड़ी स्किड नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी बाकी कंपनी भी आ चुकी है, लेकिन उसमें आपका वेट बराबर इक्वल डिवाइड नहीं होता है इसके अंदर। तो तीसरा जो सेफ्टी फीचर आया गया इसके अंदर, आपका की शटर लॉक इसके अंदर, लॉक लगा रहे हो हैंडल लॉक के अंदर, हैंडल लॉक लगाइए और ये शटर लॉक को नीचे कर दीजिए। इवन इसके अंदर कोई भी दूसरी चाबी भी नहीं जाएगी, इवन दूसरी एक्टिवा के मॉडल की चाबी भी इससे ये लॉक नहीं खुलेगा। तो अगर चाबी जाएगी नहीं तो आप डायरेक्ट कोई भी बंदा अगर गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा गाड़ी आपकी, ठीक है। एक फीचर जो सिर्फ एक्टिवा के अंदर दिया गया वो है क्लिक मैकेनिज्म, जो ये चीज़ आपको सामने ओपन है। इसका सेफ्टी फीचर ये है इसका कि कहीं भी आपकी गाड़ी खराब हो रही है तो आप चाबी जो टूल्स आपको दिए गए सेफ्टी के साथ, वो आप क्लिक मैकेनिज्म खोल सकते हो, जहां आपका कार्बोरेटर है या सप्लाई है या इंजन है। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सर्विस के टाइम के अंदर आपका जो सर्विस का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, आपको पूरी ये डिग्गी खोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल बाकी कंपनी के स्कूटर्स आते हैं उसके अंदर आपको पूरा ये अलग करना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब होती है, आप दो नट खोल के आराम से आप चेक कर सकते हो गाड़ी के अंदर फ्यूल सप्लाई हो रही या नहीं हो रही इसके अंदर आप, ठीक है। एक सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर आ रहा है कि नॉर्मल एक्टिवा के अंदर पहले लोगों नहीं था 3D, अब ये 3D एमएम दे दिया गया, और इंजन जो एक्टिवा के अंदर HET BS4 इंजन दे दिया गया। इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो HET होंडा इको टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बेनिफिट्स ये हैं कि जो पार्ट्स हैं जो आपके इंजन के, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है, मतलब आपस में अगर पार्ट्स घिसेंगे कम तो ज़्यादा चलेंगे। इसमें आपको गाड़ी के साथ 2 साल की वारंटी दे दी गई है, 2 साल 24,000 किलोमीटर, और ये वारंटी आप एक्सटेंड करवा के 60,000 किलोमीटर तक कर सकते हो। अगर पार्ट्स कम घिसेंगे ज़्यादा चलेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, इसकी पहली चीज़। दूसरी, इसमें जो फिल्टर दिया गया है उसकी 16,000 किलोमीटर तक वारंटी दी गई है, वो नॉर्मल फिल्टर नहीं है, एयर फिल्टर है इसके अंदर, ऑयल फिल्टर, जिससे कि डस्ट इंजन में कम जाएगी,
इसकी डस्ट कम जाएगी, इंजन ज्यादा चलेगा, लाइफ लंबी होगी और आपको ज्यादा रही गाड़ी। नॉर्मल फिल्टर 16,000 तक चार बार चेंज होता है, 16,000 तक एक्टिवा का एक बार चेंज होगा, इससे भी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी इसके अंदर, जिससे कि एवरेज इंक्रीज होती है। तो अगर ऑल ओवर अगर आप देखिए इसके अंदर एक्टिवा के अंदर सेफ्टी फीचर जो तीन दिए गए हैं, ट्यूबलेस टैप, कॉम्बी ब्रेक या वो की शटर लॉक दिए गए, इससे आपकी सेफ्टी बढ़ती है। मेंटेनेंस को जो टेक्नोलॉजी है एक्टिवा की, जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम की टेक्नोलॉजी, एचटी की जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, इसके अंदर इंजन की और आपकी सर्विस की जो पोस्ट सेल्स फीडबैक है उसका, तो वो कॉस्ट कम कर देगी आपकी इसके अंदर। तो जो कि मेन जो चीज है बाकी कंपनियों से, रिलायबिलिटी ज्यादा इसलिए एक्टिवा की क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उससे इसकी इंजन की लाइफ लंबी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। यदि आप 5 साल या 7 साल बाद भी एक्टिवा का देखा जाए खर्चा, सिर्फ नॉर्मल ऑयल का और लेबर का खर्चा आएगा इसके अंदर, उसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। इवन जो वारंटी कंपनी साहब रखती है 5 साल की जो वारंटी रहती है, इसमें सारे पार्ट जो मेन पार्ट है सारे चेंज होते हैं इसके अंदर, जितने हैं 5 साल या 60,000 किलोमीटर स्कूटर में और 72,000 मोटरसाइकिल पे हैं। इसके अंदर जो भी नोवा पार्ट्स है इसके अंदर, रिले स्टार्टर है या स्प्रिंग रोल है या कार्बोरेटर है या वोस है, ये जितने कॉस्टली पार्ट्स है 4, 7, 5 हज़ार के हैं, सारे वारंटी के अंदर क्लेम के अंदर आते हैं। नॉर्मली ये जरूरत भी नहीं पड़ती आपको वारंटी के अंदर, और लोकल 60 के माइलेज रिकमेंड करती है कंपनी आपको, लेकिन लोकल 50-55 लोकल आपको दे रही है। अगर टोटल बात करो एक्टिवा की, तो टिल डेट 1,80,00,000 एक्टिवा सोल्ड आउट हो चुकी है टिल 16 ईयर के अंदर, और अभी भी ये दुनिया का नंबर 1 स्कूटर बना हुआ है रेगुलर रूप से। अगर सेकंड नंबर बात करें स्कूटर की, तो उसके बाद सिर्फ जुपिटर का नंबर आता है जो कि 15 लाख जुपिटर है टोटल। तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस है इसके अंदर एक्टिवा जुपिटर के अंदर, और जो नए कलर आए इसके अंदर आपको अलग से किसी भी कलर पे एनिमेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो एक प्लस पॉइंट आया इसके अंदर, तो ये कॉस्ट भी आपकी कम हो।